वेलकम टू स्तीश ब्लॉग, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं और आज हम आ पहुंचे हैं तारा देवी मंदिर। तो आपको जर्नी दिखाते हैं पूरी, बने रहे ब्लॉग। तो गाइस, जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं तारा देवी टेम्पल, और जो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने किया था शिमला से स्टार्ट, और शिमला में जो जगह पड़ती है वो है कुप्टाधार से हम चले थे। तो वहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो पड़ता है अराउंड 25 किलोमीटर्स, और अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे करके, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बहुत मज़े ले रहे हैं क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, नवरात्रे हैं और बहुत टाइम बाद हम मंदिर जा रहे हैं एक साथ, और तारा देवी टेम्पल तो हम फर्स्ट बार ही जा रहे हैं। तो आप बने रहो ब्लॉग के साथ और हम बताते रहेंगे। तो बहुत प्यारा मंदिर है, हमने सुना ही है, अभी देखा नहीं है, लेकिन जब जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना सुंदर है। लेकिन बस यही सुना है कि पहाड़ के ऊपर है और उसके वहाँ से जो है 360 डिग्री का व्यू है, जो हम आपको वहाँ पर जाके दिखा देंगे। और आपको पता है शिमला का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें स्कूटी में चला जाए। तो हमने सोचा इस बार स्कूटी में चले जाते हैं और जल्दी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लेट चले थे रूम से 2:30 बजे के आसपास। वैसे हमने सुबह चलना था, पर क्या ही करें, हम थोड़े से लेट हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो 2 बजे के बाद ही चलते हैं, तो 2:30 बजे का टाइम था तो हम चलना चालू कर दिया, और अब थोड़ी देर में हम पहुँच भी जाएँगे। तब तक आप ये वादियों के मज़े लीजिए। अगर आप शिमला नहीं आए हो तो शिमला ज़रूर आएँ, और शिमला एक बहुत प्यारी जगह है और यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। शिमला इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, यू हैव टू विजिट दिस प्लेस। गाइस, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे टोयोटा के शोरूम, और तीसर ले रहे हैं हाईलैक्स कुछ ही दिनों में। बस इनकी अभी नेक्स्ट सैलरी जैसी पड़ेगी वैसी ये हाईलैक्स बुक कर लेंगे, ये सब बातें ना सुनना, और उसके बाद मजा आएगा हमारे को व्लॉगिंग करने में तीसर की हाईलैक्स में, और बेहतरीन माहौल हो जाएगा। हमने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड किया जाए, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, ये कुछ अब 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया मंदिर तक का, और हमने ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर पार कर चुके हैं। हम 2 किलोमीटर दूर हैं हम बस माता के दरबार से, और हम पहुंचने वाले हैं ऊपर। और ये जो देख रहे हो बड़ी खड़ी चढ़ाई है, इसमें हम चढ़ रहे हैं अभी ऊपर, और ये ऊपर तक ऐसी खड़ी चढ़ाई है। आपको कैसे पता जब आप तो आएंगे अभी तक यहाँ? अरे ये हमने वो महसूस किया ना भाई, हम ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे थे, मतलब ये खड़ी चढ़ाई होगी। कैसी बातें कर रहे हैं यार, पहाड़ों में रहते हैं यार, इतना तो पता होना चाहिए ना। मेरे को लगा आपने गोवा में ज्यादा टाइम समय व्यतीत करा है, तो मेरे को लगा आपको नहीं पता होगा ज्यादा पहाड़ों का। नहीं, अभी मैं जान चुका हूँ भाई, 4 महीने रह लिए शिमला में, तो बहुत खड़ी चढ़ाई है, फिर भी हम पार कर रहे हैं। और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ऑसम है, बहुत सुहाना मौसम है, आप देख सकते हैं, और व्यू तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। अभी दिखाएंगे आप देख सकते हो घने घने चील के पेड़, और हम चल रहे हैं बीच में, बहुत ही ऑसम फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा एक खतरनाक वाली फीलिंग, क्या ही बताएं आप। और उसके बीच तीसर ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल तो लड़के लगती है भाई, गलत बोल दिया तो नहीं लग रहा है ऐसे भी गलत बोल रहा है लड़का, देख रहे हो ना आप, इसने मुझे लड़की बना दिया, पर मैं लड़की नहीं हूँ भाई। हम बहुत ही हाइट पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो व्यू कितना सुंदर है, अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही मंदिर के बिल्कुल सामने पहुँच गए, यहाँ से 100 मीटर दूर मंदिर है, और ये देखो इसको तो आप जानते होंगे, अभी तक इतना टाइम पास कर रहा था रास्ते में, इससे गाड़ी नहीं चल रही थी, ऐसा बन जाए। तो चलते अब हम मंदिर की ओर, पहले आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल व्यू है, और यहाँ से हम कुछ सामान लेंगे अभी मंदिर जाने के लिए, और ये कुछ इस तरह से नज़ारे हैं यहाँ, और ये आप देख सकते हो सामने पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं जहाँ तक नज़रें जाती हैं, और आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है। पहुंच चुके हैं, और ये सीढ़ियाँ हमने क्रॉस कर ली, एटलीस्ट 200 सीढ़ियाँ थी जो हमने पूरी, 50 सीढ़ियाँ जिसको 200 बोल दिया, एक ब्लॉगिंग सीढ़ी है 200 थे गाइस, इसके चक्कर में थोड़ी झूठ बोलता है, और ये तो चल भी नहीं पा रहा, देखो इसके तो पैर में लगी हुई है, लंगड़ा है तो,
जय माता दी। चलते हैं पहले अंदर, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तो गाइस ये हमने प्रवेश कर दिया है मंदिर के अंदर और घंटी बजा दी हमने। तो ये कुछ इस तरह से है मंदिर, जो कि बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर, बहुत पुरानी संस्कृति जुड़ी है इस मंदिर से, और हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ। हमने दर्शन कर दिए माता के, अभी हम एक और मंदिर है यहाँ से बगल में, और वो हमें अभी पता चला कि अगर यहाँ पे दर्शन हो गए, अगर वहाँ नहीं के तो यात्रा पूरी नहीं होती है। तो अब हम यहाँ से वहाँ पे जाएंगे, पहले आपको एक बार मंदिर का टूर दे देते हैं। इस तरह से मंदिर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सुंदर सा मंदिर है, और ये इसका आंगन है बाहर का, और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी वादियाँ दिखती है दूर दूर तक जहाँ तक नज़रें जाती हैं। और आपको दिखाते हैं एक बार मंदिर पूरा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप धूप बत्ती कर सकते हो, अंदर धूप बत्ती अलाउ नहीं। और ये है मंदिर का एंट्रेंस, ये है मंदिर का एंट्रेंस, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मंदिर है, और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर, यहाँ पे दर्शन हो गए हैं पूरे। मंदिर के दूसरे वाले पार्ट पे आ गए हैं, ये है मंदिर का दूसरा पार्ट। यहाँ पे आके ही आपकी, जब ये मंदिर पे आते हो तो यहाँ पे अगर आपका आना बहुत ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो आपकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो पहला, सबसे पहला मंदिर ही सामने वाला रहता है, और बीच का जो स्पेस दिख रहा है इसमें ना मेला जैसा लगता है। अभी 9 दिनों में पूरा आपको खाने पीने की सामान खरीदने का, ये पूरी शॉप्स है नीचे, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो और साथ में मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। तो ये जो सामने दिख रहा है, पहले आप यहाँ पे आओगे फर्स्ट वाले मंदिर, उसके बाद आप ये रास्ता पार करोगे, और ये सब जो झूले लगे बच्चों के लिए खेलने के लिए और शॉप्स है बहुत सारी, ये सबको पार करने के बाद आप आओगे ये वाले मंदिर में। यहाँ पे आके ही, इस मंदिर में आके ही आपकी जो पूजा है ना वो संपन्न होगी, और मंदिर में आने का, यहाँ पे माता का मंदिर है और भोलेनाथ का भी शिवलिंग है, तो इसके दर्शन होने के बाद आपकी यात्रा पूरी होती है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो ये दोनों मंदिर में विजिट करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर का एंट्रेंस जो दूसरा मंदिर है, यहाँ पे आके ही आपकी यात्रा पूर्ण हो सकती है, और यहाँ पे अंदर जाते ही आपका अगला कार्य संपूर्ण होता है। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए, अब कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आप बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और यहाँ पे झूले लगे हैं, एंजॉय कर सकते हो। और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, बने रहो सतीश ब्लॉग के साथ।